अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम शबीर है, मेरा ताल्लुक शोबा ज़हनी सेहत से है और मैं CGIP में एज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट तौर पे काम कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी FCPS है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कराची से, और यहाँ मैं गुज़िश्ता 10 साल से गिद्दू हॉस्पिटल CG हॉस्पिटल हैदराबाद में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में जो ज़हनी बीमारियाँ हैं उसके बारे में, और बच्चे जो आजकल गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। दूसरी एक बीमारी है जो बचपन से ही, लेकिन पता वो भी स्कूल के बाद पड़ता है, ऑटिज़म। हमेशा एक बच्चे में आदत होती है कि बच्चा माँ के पीछे पड़ता है, ये नॉर्मल है। माँ कहीं चली जाए बच्चा रोए, ये नॉर्मल है। माँ वापस आए तो बच्चा गुस्सा करे या रोए, ये नॉर्मल है। लेकिन आप अगर बच्चे को कहीं पर बिठा के जाएँ और 3 घंटे के बाद बच्चा वहीं बैठा रहे तो आप खुश ना हो कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं होते। यानी ये निशानी है फर्स्ट कि आपके बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। जो भी बच्चा कोई भी एक काम बार बार करे, गेम, कोई कार आप उसको लेके दें, वो कार के व्हील से खेले, कार से उसको चलाए नहीं, जहाज को चलाए नहीं, ऐसे उसके व्हील से खेले, यानी ये निशानियाँ हैं ऑटिज़म की। वो आँखों में आँखें डाल के नहीं दे सकते, वो आपको बच्चे गले नहीं लगाते, ये निशानी है कि ऑटिज़म है। दूसरा, एक बच्चे में दूसरी बीमारी होती है बहुत आम, उसको हम बोलते हैं ADHD, ध्यान न देने की बीमारी। यानी आपका बच्चा 3 साल का होता है, वो एक जगह बैठे ही नहीं, वो इतनी ऊट पटांग हरकतें करे, वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ, जैसे कहते हैं ना कि इसको जैसे कोई मोटर लगा हुआ है। तो ये एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा ध्यान नहीं देता, फिर वो ऊट पटांग हरकतें बहुत ज़्यादा करता है, हर चीज़ में हाथ डालता है। जब वो स्कूल एज में जाता है तो वो सुनता नहीं है, यानी को होमवर्क करना है, बात करनी है, वो असाइनमेंट पूरी नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, किताबें गुम कर लेता है, स्कूल से रोज़ शिकायतें आती हैं कि बच्चों से लड़ता है। तो इस कंडीशन में आप बच्चों को मारें नहीं, आप उनको दिखाएं किसी डॉक्टर को, ये ADHD बीमारी हो सकती है।